हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यस बैंक में अपना बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, अपना अकाउंट की इंक्वायरी कैसे ले सकते हैं, वो भी दोस्तों सिर्फ़ एक कॉल से, या आप एक SMS भी कर सकते हैं। तो इस छोटे से प्रोसेस को मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, सबसे पहले इस प्रोसेस को करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल होती है। तो प्लीज़ उस एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ कि वो एप्लीकेशन दिखने में कैसी है और उसका यूज़ कैसे करना है कि अपने अकाउंट को आप बैलेंस चेक कर सके। तो सबसे पहले हम चलते हैं मेन्यू में। मेन्यू में जाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर प्ले स्टोर को ढूंढ लेते हैं। तो हमारा प्ले स्टोर ये रहा, तो हम इसमें चलते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर टाइप करना होगा दोस्तों, बैंक बैलेंस चेक, और सर्च कर देना है। उसके बाद दोस्तों सबसे ऊपर वाली जो एप्लीकेशन मिलेगी, हमें इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा है। आप 1 मिलियन की इसकी डाउनलोडिंग है, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे मिस्ड कॉल और जी आपका IFSC, इंटरनेट बैंकिंग, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे जो कोड है वो मिल जाएंगे। तो बेसिकली हमें जो है बैलेंस चेक करना है, तो हम अपने टारगेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बैलेंस को खोल लेते हैं, और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर अपने बैंक को ढूंढ लेना होगा। यस बैंक हमारा है, तो हम इसको ढूंढ लेते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पर नीचे मिलेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे, तो हमें यहाँ पर यस बैंक मिलेगा। तो आप यहाँ पर सबसे ऊपर नंबर देख सकते हैं, बैंक बैलेंस। तो आपको ये नंबर टाइप करना होगा। जैसे आप इस पर टाइप करेंगे, तो उसके बाद आप इस पर कॉल मिला दीजिएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर आपका रजिस्टर आपके बैंक से रजिस्टर हो, उसी से ही आपकी कॉल होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप किसी और से नंबर से मिलाएंगे जो आपका बैंक से रजिस्टर नहीं होगा, तो ये कोई जवाब नहीं देगा और कॉल कट कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वही जो है आपका रजिस्टर मोबाइल होना चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर कॉल मिलेंगे, तो आपकी कॉल लगने लग जाएगी। तो बेसिकली फिर जो है आपको एक SMS आएगा, तो आप उसमें SMS में देख सकते हैं आपका बैलेंस कितना है। तो इस तरीके से आप यस बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।